पर टाइम कहाँ है? पर टाइम कहाँ है? अरे पर टाइम कहाँ है? अरे टाइम यहाँ है। आजकल हर एक जन बहुत बिजी रहता है, चाहे उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, यानी कि वो कोई भी काम करते हो, या तो वो किसी भी एज के हो, या तो वो किसी भी जेंडर के हो, वो सभी के सभी बिजी रहते हैं। बिकॉज आजकल बहुत सारी जॉब्स बहुत डिमांडिंग हो गई है। बिजनेस क्योंकि आपका खुद का है तो आपको बहुत काम करना पड़ता है, और उसके साथ साथ इफ़ यू आर अ होम मेकर, आप बहुत पर्टिकुलर है अपने घर को संभालने के बारे में। चाहे आप वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने घर को अच्छे से संभालना चाहते हैं, तो आप भी बहुत बिजी रहते हैं। आप अपने बच्चों को संभालते हैं, उसके साथ साथ आपके बच्चे वो भी हर एक जगह से बिजी है। बिकॉज उनको असाइनमेंट्स होते हैं, उनको ये एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी होता है, तो हर एक जन आजकल बिजी रहता है। चाहे उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, उनकी एज कुछ भी हो, या तो फिर उनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि हम पूरे दिन में ऐसा समय नहीं निकाल पाते हैं जिसमें हम हमारे हेल्थ को एक प्रायोरिटी दे सके, जिसमें हम हमारे एक्सरसाइज रूटीन को एक प्रायोरिटी दे सके, ठीक है। पर हाँ, अगर आप पूरे दिन में ऐसा समय निकाल सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फेवरेट सीरीज देख सकते हैं, अपना फेवरेट मूवी देख सकते हैं, या तो फिर अपना फेवरेट टीवी शो देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम टाइम जो मैं आपके पास से मांग रही हूँ, वो तो आप ज़रूर से अपने हेल्थ को एज अ प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे लेकर आई हूँ 20 मिनट्स आसना रूटीन, यानी कि 20 मिनट का एक आसनों का रूटीन करेंगे हम, एक प्रैक्टिस रूटीन करेंगे जो आप पूरे हफ्ते 7 दिनों तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी को फिर वापस से आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में, जैसे कि आप समझ गए हैं, टोटल 7 एपिसोड्स होंगे जिसमें हम 20-20 मिनट के योगासनों के रूटीन्स प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 मिनट में क्या होगा, 20 मिनट में क्या होगा, ये मेरा भी एक प्रश्न था। पर मैंने जब थोड़ा सा वर्कआउट किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जॉट डाउन की, और थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन करके मैंने रूटीन बनाया है कि जिसके अंदर एटलीस्ट एक मंत्र, ओमकार, वार्म अप्स, बेसिक वार्म अप्स, उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और आसन, और कूल डाउन स्ट्रेचेज और आसन भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है जितना हो सके उतना इतने मिनिमम टाइम में हम कर पाए। ऑलराइट, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि ब्रीदिंग और योग निद्रा कहाँ है, तो ब्रीदिंग और योग निद्रा भी 20 मिनट में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था, पर उसके लिए मैं डेफिनेटली एक अलग से सीरीज और एपिसोड बनाने वाली हूँ जो पाइपलाइन में है, यानी कि इस सीरीज के बाद बनाने वाली हूँ, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी ढूंढते हैं, मैं अकेला कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, या तो मैं अकेली कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, तो दिस इज अ राइट वीडियो यू वॉचिंग, ठीक है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, लैपटॉप में वीडियो देख सकते हैं, टीवी में ये सेम वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही अपने सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट स्ट्रेचिंग आउट 20 मिनट्स, दैट्स इट। 20 मिनट सिर्फ एक शुरुआत है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते यही 20 मिनट 30 और 30 से 45 और 45 से 50 मिनट तक, और 50 से फिर 1 घंटे तक जाना चाहिए, ठीक है। तो 20 मिनट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, पर शुरू तो करें, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करें, बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपने मैट के ऊपर आ जाएं और शुरू करते हैं। नमस्कार, आराम से सिद्धासन में बैठे, या तो फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा कंफर्टेबल है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तो पद्मासन भी ले सकते हैं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों के ऊपर रखेंगे और एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे। चलिए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। ओम सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नाउ वील डू ओंकार 3 times, elongating akar, okar and makar respectively. Take a deep breath in, inhale. Ah.
the vibrations. Feel the vibrations of Omkar within and surrounding your body. Let's do palming with both our palms. Give a good friction to your palms. Whatever warmth and energy is produced, give it to your eyes. Spread it down on your face, your head, neck, chest, abdomen, upper back, lower back, buttocks and full legs, shoulders and full hands, and slowly open your eyes. चलिए मैट के ऊपर आ जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में लगभग एक फुट जितना अंतर रखेंगे, यानी कि शोल्डर लेवल डिस्टेंस। दोनों हाथ को वेस्ट के ऊपर रखते हुए हम चलेंगे नेक रोटेशन की तरफ। नेक रोटेशन की शुरुआत करेंगे लेफ्ट टू राइट, अच्छे से नेक को रोटेट करना है फ्रॉम डाउन टू अप। ध्यान में ये रखना है कि हम लोग जब नेक रोटेशंस कर रहे हैं तो नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि इसमें से कोई भी अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आप नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो नेक रोटेशन है वो बहुत ही ईजी दिखता है, इसीलिए हम क्या करते हैं जल्दबाजी में बहुत फटाफट कर लेते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा सा धीरे धीरे ही करिए। अभी रिवर्स जाएंगे उसी तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसी सरल दिखने वाली क्रियाएं, थोड़ी सी सेंसिटिव जगह है, देन ये नेक थोड़ी सी सेंसिटिव जगह है, तो हम थोड़ा सा आराम से ही इसे मूव करेंगे। नेक रोटेशन के बाद शोल्डर रोटेशंस की शुरुआत करते हैं, आगे से पीछे, 1, 2, 3, 4 and 5। अभी रिवर्स, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए दोनों हाथों के पंजों को शोल्डर्स के ऊपर रखें, एल्बोज टुगेदर, एल्बो रोटेशन करेंगे, 1, 2 आगे से पीछे, 3, 4 and 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2 and 1। That's perfect। चलिए हो जाने के बाद दोनों हाथों को खोल दीजिए और इस तरीके से फ्लैप करने की शुरुआत करें। बहुत ऊपर नीचे नहीं करना है, नॉर्मल ऊपर नीचे करेंगे, फ्लैप करना है शोल्डर से लेकर हाथों के पंजों तक फ्लैप करते रहेंगे। Yes, keep on flapping। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, इसी तरीके से एंड तक फ्लैप करेंगे। ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, इन बिटवीन आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ऑन योर शोल्डर्स, ऐसा लग रहा होगा कि हाथों को नीचे रख दे, लेकिन फिर भी हम फ्लैप करते जाएंगे, फ्लैप करते जाएंगे। शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है, ऐसा इमेजिन करके कीप ऑन फ्लैपिंग एंड रिलैक्स। नाउ प्लेस योर पाम्स ऑन योर वेस्ट, अपने हाथों को कमर के ऊपर रख के वेस्ट रोटेशन करेंगे। वेस्ट रोटेशन करना है आगे से पीछे, अच्छे से सर्कल्स बनाएंगे वेस्ट से, कमर का रोटेशन करना है। अभी रिवर्स, वेस्ट रोटेशन हो जाने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ के इस तरीके से पीछे की तरफ शोल्डर्स को और हाथों को पुश करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 3 अप अगेन, 4 ऑन द अदर साइड, 5 ऑन द अदर साइड, 6 ऑन द अदर साइड, 7 ऑन द अदर साइड, 8 ऑन द अदर साइड, 9 ऑन द अदर साइड, 10 and we will repeat on the other side। चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से, हाथों से इस तरीके से बैक को टैप करना है, यानी हमें पीछे शबाशी देनी है। तो अगर योगी शबाशी देते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं मेरे हिसाब से। कीप ऑन मूविंग, अगर आपके हाथ के पंजे एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से मूवमेंट करते रहें। अच्छा खासा शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है,
उसे हम जस्ट फील करेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मूव करते रहेंगे। चलिए टर्न हो जाइए, दोनों हाथों को वेस्ट के ऊपर रखें, सॉरी दोनों हाथों को स्प्रेड कर लीजिए शोल्डर के अलाइनमेंट में रखते हुए, एक हाथ के पंजे को सीलिंग की तरफ, दूसरे हाथ के पंजे को फ्लोर की तरफ हम मूव करते रहेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस मूवमेंट को करते रहें, एक हाथ का पंजा सीलिंग की तरफ तो दूसरा फ्लोर की तरफ, ऑपोजिट मूवमेंट करते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया है ये। अब दोनों हाथों से मुट्ठियां बंद करके मुट्ठियों को खोलना है और धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाना है ये क्रिया करते हुए। साइड में वापस से पूरा सर्कल बनाते हुए नीचे लेकर आएंगे और वापस ऊपर लेकर आएंगे। फास्ट फास्ट मुट्ठियों को खोलना है और बंद करना है। अभी सर्कुलर रोटेशन करना है, इसे भी ऊपर लेकर जाएंगे, वापस से साइड में पूरा फैलाते हुए नीचे लेकर आएंगे और वापस ऊपर सामने की तरफ आगे लेकर आएंगे। वापस ऊपर लेकर जाना है, नीचे एंड बैक टू पोजिशन। दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फुट जितना अंतर लेंगे अपनी हाइट के हिसाब से, अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो उस तरीके से। पैरों के पंजे सीधे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्तिष्क के पीछे नेक को सपोर्ट करते हुए रख देंगे और एल्बोज को लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड और राइट एल्बो को राइट साइड लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आप जितना जा सके उतना ही साइड बेंड करना है, बहुत ज़्यादा साइड बेंड नहीं करना है। एल्बो को नीचे थाई को टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ करते रहें। कीप ऑन ब्रीदिंग एवरी टाइम यू एक्सहेल एंड यू गो डाउन एंड बैक अप, इनहेल, वापस एक्सहेल, गो ऑन द साइड, बैक अप, इनहेल। इस तरीके से मूवमेंट करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चक्कर में हमारे अपर बॉडी को हमें आगे की तरफ नहीं मोड़ना है। अभी लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और एक सीधी रेखा में, यानी कि लेफ्ट और राइट फुट एक लाइन में होने चाहिए, लेफ्ट नी को लेफ्ट हील के एक लाइन में कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर होना चाहिए आपका लेफ्ट हील। दोनों हाथों को उसी पोजीशन में रखते हुए लेफ्ट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करने की कोशिश करेंगे और वापस ऊपर जाएंगे। बैलेंस करते हुए वापस नीचे जाना है, एक्सहेल करना है और ऊपर जाना है, इनहेल करना है। वी विल रिपीट दिस। आई होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए इस पैर को सीधा करें, दूसरे पैर के पंजे को वापस मुड़ेंगे, पोजिशन लेके सेम तरीके से वापस एक्सहेल एंड इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप। इसे रिपीट करते रहें। एक अच्छा खासा स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच महसूस करने की कोशिश करें। चलिए वापस से पैर को सीधा कर दीजिए, पोजीशन पे आ जाएं, दोनों हाथों को फैला के अपर बॉडी को नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों से काफ मसल को पकड़ के और या तो फिर एंकल को पकड़ के नीचे की तरफ जाएंगे। स्पाइन को सीधा रखना है जितना हो सके उतना और नीचे जाने की कोशिश करनी है। यहाँ मेरा मस्तिष्क नीचे टच हो जाता है, अगर आपका नहीं होता तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जहाँ तक कंफर्टेबली जा सकते हैं वहाँ तक जाना है और उस स्थिति में थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखना है। चलिए धीरे से इनहेल करते वापस ऊपर आएंगे, लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड मोड़ना है, दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे, लेफ्ट नी को भी वापस मोड़ेंगे और लेफ्ट हाथ के पंजे को लेफ्ट फुट के पीछे रखेंगे, राइट को अपने शरीर की सीधी रेखा में लेकर जाएंगे। पीछे जाना है रिवर्स वॉरियर में, वापस साइड बेंड करेंगे एंड थोड़ा सा स्पाइन एक्सटेंशन, नीचे 3, वापस ऊपर, अगेन 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, अगेन 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, अगेन 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, अगेन 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 9, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। चलिए ऑन द अदर साइड वी विल रिपीट। वापस से पोजिशन ले लीजिए, दोनों हाथों को स्प्रेड करते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, अगेन 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 3। अगर आपका हाथ पूरा अच्छे से नीचे नहीं जाता है, इस तरीके से ज़मीन को टच नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे,
मेरी तरह एल्बो को बेंड करके थाई के ऊपर रख देंगे और वापस पीछे जाएंगे। एल्बो को बेंड करके थाई के ऊपर रखें और पीछे जाएं। तो आप अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है तब भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे रिपीट करते रहें। चलिए, हो जाने के बाद वापस से दोनों पैरों के पंजों को सीधा करेंगे। अपनी राइट या लेफ्ट साइड दोनों हाथों के पंजों को अपने राइट या लेफ्ट फुट के बाजू बाजू में रख देना है और उस पैर को पीछे लेकर जाएंगे और फलक आसन यानी कि प्लैंक पोज में चले जाएंगे। होल्ड करके रखें। फलक आसन में शोल्डर और हिप दोनों एक लाइन में होने चाहिए, स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए और पेल्विस अंदर की तरफ टिल्ट किया हुआ होना चाहिए। इसी स्थिति में हम रहेंगे थोड़े समय के लिए। स्ट्रेंथ को फील करें और यहाँ से चतुष्कोण आसन में जाएं। वापस हम ट्रांजिशंस करेंगे फलक आसन से चतुष्कोण आसन में। अगेन फलक आसन से चतुष्कोण आसन में जाना है। इसे रिपीट करते रहें। फलक आसन, चतुष्कोण आसन, अगेन फलक आसन, चतुष्कोण आसन, फलक आसन, चतुष्कोण आसन। इसे रिपीट करते रहना है। चलिए, अब यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे चतुष्कोण आसन में और दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे। मार्जरी आसन में जाना है और अपने पीछे के अंगूठों के ऊपर आ जाएंगे। फ्लैट नहीं रखना पैरों के पंजों को, अंगूठे के ऊपर आना है। इनहेल करते हुए कैट पोज में जाना है और एक्सहेल करते हुए काउ। ठीक है, इनहेल करना है, स्पाइन को अच्छे से एक्सटेंड करना है, ऊपर देखेंगे। एक्सहेल करना है, स्पाइन को कर्ल करना है यानी कि हम्प बनाना है और नीचे देखना है। इसे रिपीट करते रहेंगे कैट और काउ में। वापस से इनहेल गो फॉर कैट, एक्सहेल गो फॉर काउ। ये बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिन्हें स्टिफनेस महसूस होती है स्पाइन में और जिनके बैक में जनरली बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आप ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर से कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधा नीज को ऊपर ले लेंगे, तकरीबन एक आध इंच ऊपर मैट से। नी और हील आपका एक लाइन में होना चाहिए। ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, स्थिति में हमें थोड़े समय के लिए रुकना है। कोर स्ट्रेंथ महसूस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बट्स को पीछे लेकर जाते हुए वापस ऊपर लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं नी अभी भी मेरा ऊपर है, किसी भी पोजिशन में नी को नीचे नहीं लेकर जाना है। इसे वापस से बट को पीछे लेकर जाएंगे, बट्स को ऊपर लेकर आएंगे, वापस पीछे और ऊपर, वापस पीछे और ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं करते करते, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम। बालक आसन करके थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम भी रिलैक्स कर लेते हैं। वील गो टू बालक आसन। थोड़ा सा नीज को सेपरेट कर लेंगे तो आपको आपका अपडोमन रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी और उसी स्थिति में आप रह सकते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाएं और अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद वापस मार्जरी आसन में आएंगे। वहां से हम सीधा चतुष्कोण आसन में चले जाएंगे और चतुष्कोण आसन में जाने के बाद हम काफ स्ट्रेचिंग करेंगे। अगर आपकी हील्स नीचे मैट को टच नहीं हो रही है तो काफ स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपकी हील्स नीचे टच हो भी जाती है तो फिर भी आप काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कीप ऑन स्ट्रेचिंग। चलिए, अब यहां से सीधा हाथों से चल के हम पीछे चले जाएंगे और उत्तानासन में जाएंगे। अगेन, पूरा नीचे नहीं जा सके तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर जाएं और ताड़ासन में चले जाएं ऑन योर टोज। वापस पादहस्तासन में, इनहेल ऊपर ताड़ासन में, अगेन पादहस्तासन में, इनहेल एंड धीरे धीरे चलते चलते हम हाथों से चल के चतुष्कोण में जाएंगे और अभी ट्विस्टेड डाउनवर्ड डॉग करेंगे। ठीक है, तो यानी आपके राइट हाथ के पंजे से लेफ्ट काफ को और लेफ्ट हाथ के पंजे से राइट काफ को पकड़ना है। उसे ट्विस्ट करते रहें, अपनी लेफ्ट साइड और अपनी राइट साइड ट्विस्ट करते रहना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। चलिए, जंप करके मलासन में आ जाएं।
और मल्लासन की स्थिति में कुछ समय के लिए रुकें। धीरे से अपने बट्स को नीचे रखते हुए हम चले जाएंगे नौकासन में। नौकासन में ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से बट के ऊपर अपने पूरे वजन को ट्रांसफर करते हुए कोर को एंगेज करके इसी स्थिति में थोड़े समय के लिए रुकेंगे। वापस से मल्लासन में आ जाएं, दोनों हाथों को नीचे रखकर फलकासन में जंप करके चले जाएं, अष्टांग प्रणिपादासन, और यहाँ से हम दोनों हाथों को छाती के पास रखेंगे और चेस्ट को ऊपर करते हुए सर्पासन में चले जाएंगे। दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से बैक बेंड करने का थोड़ा सा स्पेस मिले। जिन लोगों के बैक बेंड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं वो थोड़ा सा अपने पैरों के पंजों के बीच में गैप बढ़ा के आराम से ऊपर की तरफ जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आएं। हर एक बार सर्पासन लेते वक्त इनहेल और नीचे जाते वक्त एक्सहेल। लास्ट में होल्ड करके रखेंगे। ध्यान में ये रखना है कि शोल्डर को बिल्कुल भी टेंस नहीं रखना है, बस इसी स्थिति में रिलैक्स होल्ड करके रखना है। यहाँ से चले जाएंगे हम सीधा वापस मार्जरी आसन और मार्जरी आसन से मल्लासन, मल्लासन से सीधा मैट के ऊपर अच्छे से लेट जाएंगे और थोड़ा सा नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे। यहाँ से विपरीत करनी में दोनों पैरों के पंजों को 90 डिग्री ऊपर लेकर जाना है। राइट फुट को नीचे लेकर जाएंगे पर हील मैट को टच नहीं होना चाहिए और लेफ्ट फुट को नीचे लेकर जाएंगे लेकिन हील मैट को टच नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम चेंज करते रहेंगे, पहले राइट फुट और उसके बाद लेफ्ट फुट। आप जो कोर स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, अपने थाई की स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है उसे फील करने की कोशिश करें और इस मूवमेंट को करते रहें। चलिए, हो जाने के बाद दोनों पैरों को हम अराउंड 30 डिग्रीज नीचे लेकर जाएंगे और इस स्थिति में होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। इसे हम बोलते हैं उत्तान पादासन। ये स्थिति लगती बहुत आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है होल्ड करने के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस स्थिति में न जाकर सीधे दोनों पैरों को नीचे लेकर जा सकते हैं। अभी दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लेकर जाएंगे और पवन मुक्त आसन में होल्ड करके रखेंगे। बस एकदम रिलैक्स हो जाएं, आपने आज बहुत सारी चीज़ें की हैं, थोड़े से कूल डाउन स्ट्रेचेस भी कर लेते हैं। यहाँ से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उंगलियों को हम रख देंगे मस्तिष्क के नीचे यानी कि नेक को सपोर्ट करते हुए। दोनों पैरों के पंजों के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ाते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर जाएंगे घुटनों को और राइट साइड के ऊपर लेकर जाएंगे। आराम से ट्विस्ट करते रहें और स्ट्रेच फील करते रहें। ये कूल डाउन स्ट्रेचेस हैं, इसे आराम से धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाने के बाद अपने दोनों पैरों को जोड़ें और बटरफ्लाई वाली पोजीशन में चले जाना है। जितना हो सके उतना को नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से एक हाथ को लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रख देंगे और राइट हैंड को अब्डोमेन के ऊपर यानी कि पेट के ऊपर रख देंगे। इसी स्थिति में रहने की कोशिश करेंगे। आपका ध्यान पूर्णतः श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर केंद्रित करते हुए हर एक श्वास जो आपके शरीर के अंदर जाती है उससे आपका अब्डोमेन यानी कि आपके पेट की दीवार ऊपर आती है और हर एक प्रश्वास के साथ पेट की दीवार नीचे जाती है, उसे हम महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। एकदम शांत और शिथिल कर लेंगे अपने शरीर को। इस आरामदायी स्थिति में रहने का प्रयत्न करते रहेंगे।
यहाँ से धीरे से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करेंगे और दोनों पैरों के पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए फुल बॉडी स्ट्रेच को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रहने की कोशिश करेंगे थोड़े समय के लिए। यहाँ से धीरे से दोनों हाथों को वापस चेस्ट के ऊपर लाते हुए दोनों पैरों के पंजों को बट के पास लेकर आते हुए हील्स को बट के पास लेकर आएंगे, पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, अपनी दाईं या बाईं ओर हाथों की सपोर्ट को लेकर धीरे से सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें, प्राप्त की हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करें। अपनी आंखें अंदर ही को धीरे से अपने हाथों को हटाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप क्यों किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ किसी और के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम किसी और का भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि वीडियो उनको भी हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर से उन्हें भी शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिले मेरे वीडियोस के बारे में। और राइट, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं और वेरी हैप्पी मूविंग्स दो, दैट इज़ फाइन, मेरे हिसाब से वो चलेगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत रहा है, आप लोगों का प्यार बहुत रहा है, बस इसी तरीके से आप लोगों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करते जाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, तब तक के लिए नमस्कार।